News 18, India. अपने घर न छावनी, अपने घर न छावनी या बाहर कहीं नहीं फुटानी, यही हाल है अभी पूरे इंडी गठबंधन का। अपने तो गले तक डूबे हुए थे, अभी भी डूबे हुए हैं अपने कुकर्मों के दलदल में, और बात कर रहे हैं ये सामने अभी जो सत्ता पे बैठी है, कुकर्म से मतलब कृत्यों से। हाँ, कृत्यों से मतलब गलत नीतियों से और अस्पष्टता के साथ। अगर आप इतने ही अच्छे होते तो 10 सालों और 2024 में भी आपकी दुर्गति नहीं होती। जो राहुल गांधी ने ये कहा था, गरीबी एक मानसिकता है, अवस्था नहीं है, वो राहुल गांधी आज जननायक बने हुए हैं, शोषित वंचितों के कल्याण की बात कर रहे हैं, और ये बेरोजगार की बात कर रहे हैं, और महंगाई की बात कर रहे हैं। 28% पे राजस्थान को महंगाई पे छोड़ करके जाने वाले, और इनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि इनको जनता बार बार नकार क्यों रही है। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी तक 10 सालों में इनकी एकता नहीं हुई, या एकल के रूप में भी ये देश को एक मजबूत विपक्ष नहीं। नींद क्यों नहीं खुलती? एक तो शेर तो गालिब का ये कि रात भर नींद क्यों नहीं आती। रुको, आ गया, रुको 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 रुको, सही सही बोलना, नहीं तो मैं खड़ा दूंगा, मैं बता दे रहा हूँ। हाँ जी, राहुल गांधी जब इतने अच्छे हैं, हाँ, तो उनकी पार्टी में लोग क्यों नहीं रुक रहे हैं? फिर दूसरी पार्टी में क्यों जा रहे हैं? लोग अच्छों के साथ ही चलते हैं ना। हाँ, ये बात तो सही है तुम्हारी। तो फिर राहुल गांधी गए तो रुक क्यों नहीं रहे हैं? तुम्हारी उम्र क्या है? 23। हाँ, तो 23 साल का आदमी अगर इतनी समझदारी वाली बात कर रहा है कि भाई उनकी पार्टी में लोग रुक क्यों नहीं रहे, बस जी ये सवाल ये है। हाँ, अच्छे आदमियों को तो रुकना चाहिए ना, अगर अच्छे होते तो क्यों रुकते? अरे भाई देखो, क्या है कि जो जाने वाले लोग होते कभी कभी कहते हैं वो अवसरवादी होते, वो जहां देखते हैं परिवारवाद को छोड़ना ही नहीं चाहते। बिहार का जो खेला है, जो अभी खेला खेला जा रहा है या जो थोड़ी देर में दिखेगा, वो यहीं पे चोट हुई है परिवारवाद पर। बस जी देखिए प्रतीक जी, हाँ, राहुल गांधी जो कुछ भी करते हैं उल्टा करते हैं। भारत कहीं से टूटा नहीं था तो भारत जोड़ो करने चल दिए, कहीं अन्याय नहीं हो रहा है तो न्याय यात्रा निकालने चल दिए। और जब उनका देखिए, मैं तो उनको कहूंगा कि पहले कांग्रेस जोड़ लो तब देश को जोड़ने चलना। रोज कांग्रेस बिखर रहा है, और जो भी चीज हम लोगों ने किया बीजेपी ने, उससे देश के लोग जब लाभान्वित हुए, जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं थी, एक बहुत कड़ा एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, शायद आप बुरा मान जाए। नहीं नहीं, तो ऐसा ना बोलिएगा जब बुरा मान जाए। नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसा ना बोलिएगा, तो सच्चाई है। अच्छा तो बोलिए। हलाला एक प्रोस्टिट्यूशन था जिसको मोदी ने हटाया और मुसलमान महिलाओं को आजादी कराया, उससे मुक्ति कराई। देखिए वो शब्द मैं हटाता हूँ, दो शब्द जो है जहाँ रिलीजियस कॉन्सेप्ट पे है वो शब्द नहीं बोलना चाहिए। और जब देखिए, मैं आपको एक चीज बुनियादी बताता हूँ, मैं आपको एक बुनियादी चीज बताता हूँ हुजूर आली, आपको बुरा लगे तो अच्छा है, बुरा लग जाना चाहिए। आपने कहा आपको बुरा लग जाएगा, मैं कहता हूँ आपको बुरा लग जाना चाहिए। जिस चीज में इस्लामिक लॉ में आप एक्सपर्ट नहीं है, ना आपने इस्लामिक लॉ पढ़ा है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी, उसको भी मैं तो अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट कर रहा हूँ, बस आप सुनिएगा मेरी बात। जो जिस चीज को नहीं जाता या जानता उसमें उसको कमेंट नहीं करना चाहिए। ये बात आपको सीखने की है, इसको सीख लीजिए। देखिए सती प्रथा खराब थी, उसको बदला हमारे लोगों ने, बदल दिया। आप प्रथा कहिए, आप शब्दों का चयन नहीं कर सकते। नहीं बस साहब, मेरा नियम बहुत साफ है, मेरे शो का नियम बहुत साफ है कि अगर आप गलत बोलेंगे तो मैं बहुत देर तक नहीं बोलूंगा, नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा। नो नो, आप नहीं।